रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं सदन का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं केवल एक दो बातों की ओर वित्त मंत्री और सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। आज बिजली के मामले में राजस्थान की हालत बहुत नाजुक है। खासतौर से पिछले 5-7 दिनों से गांव में परेशानी बहुत बढ़ गई है। मैंने देखा है कि कई जिलों में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है। नतीजा यह हुआ है कि जो फसल बोई गई है उसको पानी नहीं मिल पाया है। वहाँ पहले से ही अकाल की स्थिति है। बिजली ठीक तरह से न मिलने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। इसलिए बिजली को और अधिक फैलाने की बात को छोड़कर सरकार उसकी पूर्ति को नियमित करे। उधर से जो माननीय सदस्य बोलते हैं वे बातें करीब करीब वही करते हैं जो हम कर रहे हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। वे भी कहते हैं कि महंगाई है, बेकारी है और हालत ख़राब है। सरकार की तरफ से भी हर एक वक्तव्य को इसी वाक्य से शुरू किया जाता है कि उसे विरासत में खराब हालत मिली है जिसे सुधारने में समय लगेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार एक अवधि निर्धारित कर दे कि वह कब इस पहले वाक्य को बोलना छोड़ दे। हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे। वह हमको भाषण लिख कर दे दे और बता दे कि हम क्या करेंगे। हम वैसे ही इस सदन में और बाहर जनता के सामने बोलेंगे, लेकिन वह देश की हालत को सुधारे। आज चारों तरफ हालत बिगड़ रही है। आज गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार हम लोगों को कब तक दोषी देती रहेगी? अगर हालत ना सुधरी तो ये लोग भी डूबेंगे, हम लोग भी डूबेंगे और लोकतंत्र भी डूबेगा। आज गांव में हालत बहुत खतरनाक ढंग से बिगड़ रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ यह बात कह रहा हूँ। आखिर सरकार का और हमारा काम एक ही है। कुछ लोग उधर बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालत सब तरफ से खराब है। बिजली खराब है, कोयला खराब है, तेल नहीं मिल रहा है। किसानों के काम सब तरफ से रुके हुए हैं। गांव के अंदर इतनी महंगाई बढ़ रही है कि गरीबों के प्राण निकल रहे हैं और आगे यह महंगाई जोर से बढ़ेगी। गेहूं का उत्पादन कम हो गया है, भाव अभी ऊंचे हो रहे हैं, आगे और भी ऊंचे होंगे। आगे आप फिर कहेंगे कि आयात के बिल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो आप मुसीबत में फंस गए हैं। आप मुसीबत में फंसते हैं तो हमें भी खुशी नहीं होती है। इसलिए आप गंभीरता से सोचें। कुछ हमसे सहायता लेना चाहते हैं तो लें, जिस तरह से भी लेना चाहते हैं लें। आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम जनता से जाकर बोलेंगे। अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप राजस्थान के लिए ज़रूर कुछ करें। महोदय, हमारे जीवन में संगीत का व्यापक स्थान है। भारतवासियों को अपने प्राचीन युग से अथवा अपने पूर्वजों से शास्त्रीय संगीत के रूप में एक बहुमूल्य निधि मिली है। हमारे पूर्वजों की दृष्टि में संगीत का ध्येय आध्यात्मिक साधना था और उन्होंने संगीत का इसी आदर्श के अनुकूल विकास किया। हम कह सकते हैं कि हमारे देश में यह कला पूर्णतः
पूर्णता के शिखर पर पहुंच चुकी है। संगीत के ध्येय के संबंध में आज हमारे विचार चाहे कुछ भी हों, यह सभी स्वीकार करेंगे कि इसमें सामंजस्य की ओर ले जाने वाली और व्यक्त जगत से ऐक्य का आभास कराने वाली शक्ति निहित है। संगीत का वातावरण में ही नहीं बल्कि श्रोताओं और गायकों के मन में भी सामंजस्य की उत्पत्ति होती है। संगीत के उच्च ध्येय और व्यापक प्रभाव के कारण ही प्राचीन काल में भारतवासियों ने संगीत को जनसाधारण के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में ऊंचा स्थान दिया था। शायद ही कोई ऐसा भारतीय त्यौहार या उत्सव हो जिसमें संगीत का आयोजन ना होता हो। संगीत जन्म से मृत्यु पर्यंत हमारे साथ रहता है। हमारे सभी रीति रिवाजों में इसका कुछ न कुछ स्थान है। शताब्दियों से हम संगीत के प्रशंसक तथा उपासक रहे हैं और हमने इसकी गणना सदा मानव की उच्चतम संसाधनाओं में की है। काल के प्रभाव से हम लोगों की रुचि में काफ़ी परिवर्तन हुआ, परंतु शास्त्रीय संगीत उसी प्रकार बना रहा और उसमें कोई विशेष और मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। मुसलमान बादशाहों और अमीरों उम्रों के द्वारा संगीत को केवल प्रोत्साहन ही नहीं मिला, इसमें समयानुकूल हेर फेर भी हुए और आज विशेषकर उत्तर भारत के संगीत ने उसी युग से प्रभावित और बहुत अंशों में अनुप्राणित होकर अपना नया रूप ग्रहण कर लिया है। पर जो भी हेर फेर हुए वे हैं ऊपरी पोशाक मात्र ही। भारतीय संगीत शरीर और आत्मा से अभी भी वही प्राचीन शास्त्रीय संगीत बना हुआ है। ऐसी आशा की जाती है कि इसमें अभी भी इतनी शक्ति है कि यह अपने को एक बार फिर आधुनिक वातावरण के अनुकूल बना लेगा। प्राचीन संगीत कला भारतीय रजवाड़ों के दरबारों में उनके आश्रय से पनपती रही। यह स्वीकार करना होगा कि भारतीय नरेशों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण संगीत लुप्त होने से बच गया, परंतु यह भी मानना पड़ेगा कि इन वर्षों में भारत की जनता का शास्त्रीय संगीत से बहुत कम संपर्क रहा। अतः जनता और हमारे परंपरागत सर्वश्रेष्ठ संगीत के बीच एक खाई पैदा हो गई। यदि हमें संगीत को जीवित रखना है और सहस्त्रों वर्ष पुरानी इस अमूल्य परंपरा की रक्षा करनी है तो हमें इस खाई को पाटना होगा। यदि यह आवश्यक हो तो शास्त्रीय संगीत में ऐसे संशोधन करने में कोई बुराई नहीं जिनके फलस्वरूप यह लोकप्रिय बन सके। इसके साथ ही जनसाधारण को भी शिक्षित करने की आवश्यकता है जिससे उनकी रुचि अधिक परिष्कृत हो सके और वे शास्त्रीय संगीत का आनंद उठा सके। भारत गणराज्य में नरेशों अथवा रजवाड़ों का अच्छा स्थान है। महोदय, आधुनिक युग की एक बड़ी देन यह है कि हम किसी भी चीज़ की बहुत प्रतियां बना सकते हैं। प्राचीन काल में यदि कोई पुस्तक लिखता था तो ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति एक ही होती थी। उसकी यदि प्रतियां बनानी हुई तो दूसरे आदमी को पूरा ग्रंथ लिखना पड़ता था, जो बहुत ही व्यय साध्य और श्रम साध्य काम होता था। आज किसी ग्रंथ या वस्तु की प्रतियां केवल मुद्रणालय में ही नहीं बल्कि अन्य प्रकार से भी बन सकती है। एक का अनेक बना देना आज एक खेल सा हो गया है। यदि किसी अच्छे नाटककार ने
मंच पर अच्छा खेल दिखाया तो उसकी बड़ी ख्याति हुआ करती थी, पर वह नाटककार